नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज। मैं हूं सचिन वर्मा। समाजवादी पार्टी में घर की कलह अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। पर्दे के पीछे घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शिवपाल यादव ने अपनी तलवार चलानी शुरू कर दी है। शिवपाल ने राम गोपाल यादव के भांजे और विधान परिषद सदस्य अरविंद यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की तरफ से जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विरोध में असम्मानजनक एवं अमर्यादित टिप्पणी करने, पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने तथा अनुशासनहीन आचरण के कारण समाजवादी पार्टी से अरविंद यादव को निष्कासित किया जाता है। वहीं अरविंद यादव ने इस पूरे मामले को लेकर खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है। अरविंद यादव राम गोपाल यादव की बहन गीता देवी के बेटे हैं और विधान परिषद का सदस्य बनने से पहले मैनपुरी के करहल ब्लॉक में ब्लॉक पर मुख चुने गए थे। सूत्रों के मुताबिक अरविंद यादव पर जमीनों पर कब्जे और अवैध शराब के कारोबार के आरोप हैं, जिसके चलते ये कार्रवाई हुई है। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।